सड़कें टूटी हुई है, बहुत बुरा हाल है, तो आपका इस बारे में कुछ कहना। हाँ जी यार, सड़कें बननी चाहिए थी, ये बन दिया नहीं है। इन्हें सरकार ने चाहिए था कि ये सड़कें नालियां बननी चाहिए थी। तो आपके यहाँ पे विधायक कौन थे? विधायक कौन थे यहाँ पे झाकी, जिसके यहाँ पे सरकार आई? तो हुणे आए इत्थे कोई 5-6 महीने आ गया जद्दी रहण वाले, इहो ही आए तो हुणे आए। तो आपको क्या लगता है कौन सा सबसे अच्छा चेहरा है, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो आपका हो या फिर अकाली ही क्यों ना हो, आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा चेहरा है? आप उनके बारे में कुछ बताइए, ऐसा कौन सा काम है उनका जो आपको अच्छा लगा और आपको ऐसा लगता है कि उससे आपके कॉलोनी का, पूरे पंजाब का विकास हो सकता है? ईमानदारी है, यंग ब्लड है, नया चेहरा है, जज्बा है काम करने का जी, तो इसलिए हम उसको पसंद करते हैं। जैसे कि इन्होंने कहा वो यंग ब्लड है, यानी कि यूथ है वो, तो आपके घर में या फिर आपके जान पहचान में कोई ऐसा यूथ है जो लोगों को प्रोत्साहित करता है, अवेयरनेस फैलाता है कि वो देश के भलाई के लिए काम करे, लोगों को जागरूक करे कि ऐसी किसी पार्टी के भकावे में ना आए, किसी को भी वोट ना दे, जो पार्टी अच्छा काम करती है उसी को ही वोट दे? ताकि वो देश की भलाई के काम करे, लोगों को प्रोत्साहित करे कि वो ऐसी किसी पार्टी को ही अपना वोट बर्बाद ना करे। सब धर्म का पालन करता है, सब धर्म का आदर करता है, सबको साथ देता है, सब पार्टी के जितना भी लोग किसी का भी कोई काम हो तो उसको साथ देते ही करते हैं, वो किसी पार्टी वाली में नहीं आता। वो सरबजोत सिंह साहब भी ऐसा चेहरा है। तो आशा है कि सरबजोत जिनका आपने नाम बताया है वो यहाँ का विकास करें, जैसे कि आपने वोट मांगते आज अपने, कोई फल नहीं होता, गटर बड़े हुए हैं, कोई सफाई नहीं इधर, सब नुकसान करते हैं, पैसा दे रहे हो, कांग्रेस काम करा रही है, क्या करेंगे? तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार आनी चाहिए? सरकार कोई भी आए काम करना चाहिए। तो यहाँ पे लोगों की यही मांग है कि यहाँ पे सरकार आनी चाहिए अच्छी खासी, वही जो यहाँ पे काम करे, जैसे अंग्रेज होते थे वहाँ पे राज करते थे, वही अब सरकार करिए, हम पे सिर्फ राज करिए। तो आपकी कुछ मांग है, आपकी कुछ शिकायत सरकार से? सुधार होना चाहिए, इधर बिगड़े हैं, नशा चल रहा है, सब कुछ चल रहा है जी, कोई में काम कर रहा है, कोई सहूलत नहीं है इधर जी, जो आप गरीब बंदे मर रहे हैं और क्या करेंगे? तो गरीबों के लिए सरकार ने कोई स्कीम नहीं निकाली? स्कीम नहीं है, राशन राशन आता है वो खा जाते हैं, जो डिपू वाले वो भी खा जाते हैं, राशन पूछता कहाँ है, कोई दाढ़ आती है कुछ आता था, कुछ नहीं आता। कौन सी सरकार ने, इससे पहले कौन सी सरकार थी जिससे? सरकार जो भी आती है सब धोखे बाजी है। कौन सी सरकार थी, नाम क्या था? सरकार होनी नहीं चाहिए, सही बातों में बोल रहा हूँ, सरकार होनी नहीं चाहिए, सरकार नहीं होगी तो क्या है, धोखेबाजी कर रहे हैं, पैसा जो अपना कमा लेता है वो बैठ रहा है, मेरे को दिखा मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो क्या करेगा आदमी, मर नहीं रहा है, गरीब आदमी तो मर रहा है। तो आप बताइए कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या क्या लागू करना चाहिए? काम करना चाहिए, सुधार करना चाहिए देश का, वो अच्छा उसमें नहीं है, वो नुकसान कर रहे हैं, इधर की पीढ़ी खराब हो रही है, कोई नशा कर रहा है, कोई वैसे मर रहा है, कोई जिम्मेदार मर रहा है, कोई नशा दे रहा है, यहाँ पर कोई इधर सुधार नहीं है, इसका है सरकार को यही मांग है, अच्छा काम कराए, सुधार करे देश का, उसमें फायदा है उन्हों, नहीं तो कोई वोट नहीं देगा, अपनी मर्जी से चलेगा जैसे चलते थे पहला। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा, यहाँ के लोगों की यही मांग है कि सरकार इनका उद्धार करे, सिर्फ वोट मांगने के लिए ना आए, और यही है पंजाब का सबसे बड़ा दर्द। तो मुझसे जुड़े रहिए, हम नई मिलेंगे जल्दी नई वीडियो में, नए लोगों के साथ एक नए मुद्दे पे, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।